महागठबंधन की हार सर्वविदित है, लेकिन अब फिर से सरकार बनाने के लिए पिछले दरवाजे से कांग्रेस जी को आगे करके माझी जी को और मुकेश सहनी को ऑफर दिया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री क्या क्या? देखिए ये सब जो खबरें चल रही है ना, इसमें कोई तथ्यगत आधार नहीं है। अरे कांग्रेस पार्टी बिहार में अनुकंपा के आधार पर है। होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 जो हैं, जब तक उनका आदेश नहीं होता है तो बेचारे को टिकट नहीं मिलता है, तो इन पर कौन भरोसा करेगा? इसलिए बिहार की जनता की जो मनोदशा है उसके अनुसार जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तमाम दलों का ये फैसला है। नीति आयोग चाहे कितना जतन कर ले, राजनैतिक रूप से दंडवत हो जाए कांग्रेस पार्टी, तो इन लोगों पर कौन भरोसा करेगा भाई? जो जेल में बैठा हुआ कैदी के बल पर राज चलाना चाहता है तो कौन राजनीतिक दल होगा जो तैयार होगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी बिहार की पॉलिटिक्स में बीपीएल टाइप की राजनीतिक पार्टी हो गई। निशिकांत दुबे ने शराबबंदी पर पुनर्विचार करने का कुछ ढील देने की बात कही है। शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन का हथियार है और विधानमंडल ने सर्वसम्मति से इसको तय किया है, तो स्वाभाविक रूप से शराबबंदी की जो लोग आलोचना करते हैं, मैं उनसे केवल एक सवाल पूछता हूं कि शराब पीने से फायदा क्या क्या है, जरा इसका गुणगान कर दीजिए तो बिहार में जो आम आवाम है, अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस घट गया, महिलाओं के प्रति अपराध, उसमें शराबबंदी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए समाज के अंदर एक मौलिक बदलाव की शुरुआत बिहार ने किया है, उस मौलिक बदलाव में शराबबंदी का तो नतीजा है कि आज बिहार के गांव में खुशहाली है। बिहार में महागठबंधन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पहली बार महागठबंधन के तरफ से ईवीएम पर तो सवाल नहीं उठे, लेकिन चुनाव आयोग की गिनती पर सवाल उठे और जगह जगह ये हिंसा करवाई गई। माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में, भाई जो व्यक्ति खुद का हलफनामा सही दायर नहीं कर सकता है, चार चार दस्तावेज मैंने जारी किया कि भाई चार ये जमीन का कागज है जो तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम से है, उसका मूल दस्तावेज मैंने जारी किया, जो अपना हलफनामा दायर नहीं कर सकता है सही तरीके से, जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन नहीं कर सकता है, ये चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान लेके आकर के आए हैं तेजस्वी यादव जी। संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने के पहले जरा सा राजनीति में जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा है चरवाहा विद्यालय, उससे बाहर निकलिए और भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़िए। हिंसा को लेकर के जिस तरह से हिंसा लोकतंत्र में, ये दुखद है भाई। राजनैतिक रूप से मतभेद होना अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर लोकतंत्र में हिंसा की कोई घटना होती हो तो जरूर निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। आम आवाम सुरक्षित रहे, उसके बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहे, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उस चुनौती का दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीका ही गांधी का देश है, ये हिंसा का देश नहीं है यह।